Oh my god, someone is looking so pretty. Yaar, I love your kurta, bro. I love your kurta. Never wear it again. नहीं है मुंबई शेख हमें दे रही है ईदी नहीं है ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक कैसी हो ईद कैसी गुजर रही है अलग से आप बताए मुंबई पूरे जो कबेड़ा गरक एक जैसे कपड़े क्यों पहने हुए आप लोगों ने आप लोग एक ग्रुप हो गए अच्छा जी आज है ईद ईद मुबारक सबसे पहले तो तमाम मेरे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को और एज यूजुअल ईद का जो दिन है वो स्टार्ट ही होता है ईद की नमाज से और हर मेरा थर्ड ब्लॉग है और थर्ड ब्लॉग एज यूजुअल स्टार्टिंग होती है हमारी ईदगाह से तो सबसे पहली मोहल्ले की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आ गए हैं ईदगाह में जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है दिखाया मेरा कैमरामैन सो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अच्छा इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजेस ये है कि पहले तो हम सो जाया करते थे घर जाके इस दफ़ा पूरी चांद रात मैं जागता रहा हूँ मैं सोया ही नहीं हूँ एक मिनट की भी नींद नहीं ली है इसकी वजह से फ्रेश भी हूँ कॉफ़ी के दो शॉर्ट्स मार के आया हूँ फटाफट ईद की नमाज़ पढ़ते हैं आई थिंक वी आर गेटिंग लेट उसके बाद करेंगे बातें स्टे ट्यून्ड खाने खाली रात देऊं भी किरण कि जो घर खाली होता है जिसमें कोई रहता नहीं है तो उसमें देऊं और जिन्नात बसेरा कर लेते हैं सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमाईन रहमतिका या अरहमर रहमीन ईद मुबारक ईद की सबसे पहली नमाज हमने पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं जाके सोए पूरी रात के जागे में और उठ के भूख लग रही है ये देखें 180 कितने गुब्बारे ले लिए बाबा जगह नहीं है बिचारी ऐसा लग रहा है प्रपोज करने जा रहे हैं क्यों बात है जरा हाँ जी ईद जो है वो शुरू हो चुकी है नमाज पढ़ के आते के साथ ही भाई मैं तो सो गया था नाश्ता करके और सो के अभी जब उठे हैं तो टाइम हो रहा है 4 आज लंच का हमारा जो प्लान था वो बड़ा ही मज़ेदार था कि सब जो है वो मेरे जो भाभी हैं वो मेरी अम्मी और तेमन तीनों ने एक एक डिश बनाई थी वन डिश पार्टी हो रही है छत पे और अब वो पार्टी अंदर जा रही है मैं चलता हूँ अंदर देखता हूँ जी क्या चाहिए आपको 5,000 क्यों अभी वो जो बाबा वाली बात बता रही थी वो बताओ है? ये आपकी भाभी ने बोला था जी। इसकी तो अच्छा चलो आ जाओ अभी देता हूँ आपको मैं जी दोस्तों सो बहुत मुश्किल से कुछ 3-4 अच्छी पिक्चर्स लेने के बाद अब हमने सोचा कि हम चलना स्टार्ट करते हैं बिकॉज चलते चलते शाम के 7 बज गए हैं और हमारा जो दूसरा जोड़ीदार कपल है एहसन और मीनार वो अपने घर से निकल चुके हैं अमल ने इस दफ़ा बहुत तंग किया है इस ईद पे क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो इसके भी ज़रा हमारी तरह ही नखरे होते जा रहे हैं और ये अभी माशाल्लाह से रोक क्या मैं बोलूँ हाई मेरी पिक्चर में कह रही है नो पिक्चर्स सो यार वी आर रेडी वी आर गुड टू गो और आज 2 घर हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें लाजमी जाना है सो वी आर रेडी हेलो अस्सलाम वालेकुम हैं दिखाया ज़रा माशाल्लाह लाइट है इसका कुर्ता तो चेक करो माशाल्लाह बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रहे अच्छा मैचिंग भी की हुई है नीचे से जितेंद्र ट्राउजर है और इसके साथ की जो भी चप्पल भी है चप्पल भी इसके साथ ग्रीन है ग्रीन वाली भाई आर्मी पब्लिक में ले लिया क्या एडमिशन क्या पका हुआ खाने में टिका हुआ बच्चा है बिरयानी और मटन कढ़ाई
ये मैगी नूडल्स किसने ये खास वैरायटी है ये क्या है मटन कढ़ाई है भाई बिरयानी कैसी बनी भाई बहुत सारे लोग बैठे हुए अच्छी नहीं वाकई अच्छी है वाकई अच्छी जोक सपाट बिरयानी वाकई बहुत अच्छी है बहुत लजीज है बहुत ही उम्दा और क्या क्या अच्छे अल्फाज होते हैं उम्दा लज्जत से भरपूर जाकर इसके बेमिसाल शादी की वीडियो वाला नहीं बंद सबके मुंह पर जा जाके जैसे ही बंदा जाए फौरन ही हो जाते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्लॉगर टू बी भाई बहुत सारी ईदी दे दी है और बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई है सो हम आए थे घर दोबारा और पैसे लेने के लिए कि इनकम इस दफ़ा बिल्कुल ले लें और एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है ईदी इस दफ़ा एक भी नहीं मिली अमर व्हाट्स रॉन्ग विद यू आर यू नॉट हैप्पी आपको ईदी नहीं दी किसी ने हमें करी इतना पैसे को हमारी मियां अमल को मिली है तो अब हम जा रहे हैं अपनी छोटी बहन के घर पे रिदा के घर पे वहाँ से वहाँ भी खर्चे का ही आसरा है इनकम वाले घर पप्पू वाले हैं लेकिन वो अब पता नहीं आ जाएंगे कल जाएंगे सो लेट्स गो हाँ जी सो ये वाला जो घर है जो मेरी बहन का घर है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमें हर साल मिलती है तो पहले से बड़ी होती है ए ज़ानान मिना हेलो गाइस हैं जी सुबह से शुरू हुआ क्या हुआ आपको नहीं आना फिर आप बाद में रोती हो मुझे भाईजान लेते नहीं है व्लॉग में जायना को ले लेते हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं चलो भाई ईद मुबारक बोलो सब कितनी ईदी जमा कर ली दिखाए जरा कितनी भी जमा कर ली दिखाए आप दिखाए माशाल्लाह इनकी पहली इनकम थैंक यू अम्मी जी गाइस सो ईद उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक अपने दोस्त मेरे भाई मेरे यार जब तक उनसे नहीं मेरी होती मुलाकात तब तक ईद का मजा ही किरकिरा रहता है मेरी कोशिश यही होती है कि ईद के पहले दिन जो है वो मैं अपने दोस्तों से मिल लूं ताकि दोस्तों के दिल में भी कोई शिकायत ना आए तो अभी मैं जा रहा हूँ फैमिली को सबको ड्रॉप करने के बाद अपने फ्रेंड्स में और रात के तकरीबन 1:45 हो रहे हैं लेकिन सारे दोस्त मेरे जो है वो हैं ही बैटमैन जो सिर्फ रात में जागते हैं और सुबह में सोते हैं सो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों में एंड स्टे ट्यून्ड अब अच्छा कल का जो दिन है वो बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि कल हम जाएंगे सबूर और अली अंसारी के घर पे जहाँ पे उन्होंने रखी हुई हमारी दावत तो स्टे ट्यून्ड बहुत मजा आने वाला है वहाँ पे चलते हैं दोस्तों से मिलते हैं कल मुलाकात भाई ईदी दे हसन भाई हमें बड़े हैं हमसे 6 साल ये क्या बात है ये तरह क्या दे रहा है भाई ईदी 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 ये क्या गिन के वापस आने लगा ये हम सब की हाँ जी ईद का दूसरा दिन जो है वो स्टार्ट हुआ है आज दोपहर 4 बजे से और हमें आज इनविटेशन है अली अंसारी और सबूर के घर से वहाँ पे हो रही है दावत और अभी जस्ट मैं सो के उठा लुक हूज अस्सलाम वालेकुम शो मी योर क्लोथ्स वाओ शो मी योर क्लोथ्स Oh my God! Someone is looking pretty. जी ख़वातीनो हज़रात तो इस वक्त हम हैं रास्ते पे गामजन हम जा रहे हैं अली अंसारी और सबूर अली के घर पे जहाँ पे है आज हमारी दावत इफ्तार नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा मैंने मतलब के रमजान ट्रांसमिशन कर दी आज है हमारी वहाँ पे लंच की दावत और हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे और भी दोस्त आए हुए होंगे वहाँ पे ईद का सेकंड डे और पहली दफा आप मीडिया के और हमारे जो और दोस्त हैं इनसे मुलाकात होगी दिस Wow! Show me your dress. Now I want to see your dress. Show me your dress. And your mehndi. Show me.
शो मी मेहंदी। वाह ये देखो काम देखो इसके। अमल हैप्पी? अमल इज ड्राइंग अ ई दैट्स व्हाट। बहुत भूख लग रही है भाई, लग रहा है सब रो लेंगे। फौरन खाने का इंतजाम किया हुआ। फ्रेंड माइलो कमरे में। ये माइलो है? माइलो है। ओवल्टीन का है। है ना? I'm a love cats. I like it. You like it? But don't take it home. The cat will eat your piku. सबूर आप आराम से खाएं, तकल्लुफ नहीं करना, अपना ही घर समझो, ठीक है? कुछ चीज की जरूरत हो तो प्लीज यार बता देना अली को। हेलो अमल। नहीं है मोमल शेख हमें दे रही है ईदी। नहीं है। चलो ये पर्स ही दे दो, 2-3 हज़ार का तो बिक जाएगा सदर में। फोन भी ले दो। नहीं नहीं फोन पे आइए, मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम्हारा हस्बैंड मुझे जेल करा देगा। यार ब्यूटीफुल। चलो अब तुमने कहा था मेरा दिखा देना बैग ब्लॉग में, डबल हो जाएगी, दिलाओ दो। चलो भाई रेडी, 3-2-1 ईद मुबारक। ईद के दूसरे दिन कलंदर चल रहा है, आज लास्ट एपिसोड ऑनर हुई है भाई कलंदर की, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, और मैं भी अभी बैठ के देख रहा हूँ, वाकई बड़ी कमाल एपिसोड है कलंदर। जी दोस्तों दावत जो है वो जोर और शोर से जारी है, और तकरीबन रात के 12:30 बज चुके हैं। ईद का सेकेंड डे इज अबाउट टू फिनिश। तमाम मेहमान जो है वो छत पे हैं। हाँ तमाम मेहमान जो हैं वो हैं छत पे, और बस एक गहमा गहमी का समय है। चलता हूँ फटाफट ऊपर, मैं ऐसा गया था नीचे खाना खाने के लिए, सोचा एक शॉर्ट रिकॉर्ड कर। घर आपने कैसे बनाया? पूछ 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 घर कैसे बनाया? इतने प्यार से पीकू देख रहा है, उसका अपना वाले नजर आ रहा है तेरी शुरू। नहीं यार मुझे मेरे पास ना फाल्कन होता था। क्या कर रहा? अच्छा जी दावत हो रही थी, दावत में बिजी इतना ज्यादा था कि खाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, और बिल्कुल एक दो कबाब ही चल सका। तो मैंने क्या किया कि ये खाने की अभी प्लेट बनाई है, जो कि अभी फजर का टाइम हो रहा है, सारे मेहमान जा चुके हैं, और अब जाके मैंने अब मैं गया था दोस्तों में वापस आया हूँ, तो भूख लग रही बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये पूरी कबाबों की और चिकन टिक्के की जो बच गई थी वो प्लेट बनाई और उसको गर्म करके खाता हूँ। ईद का दूसरे दिन आज ख़त्म होता है, और ईद के तीसरे दिन का मतलब कल का अभी तक का हमारा कोई प्लान नहीं है, देखते हैं क्या प्लान बनता है कल का। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन आज़ाद, ईद का है आज थर्ड डे, मतलब कि फाइनल डे, ऑलमोस्ट ईद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और आखिरी दिन है। गर्मी इस दफ़ा ईद पे इतनी ज़्यादा थी कि बंदा सोच ही सकता था कि यार दोपहर में निकले, बट वो सोच उसी वक्त ख़त्म हो जाती थी जब आप बाहर निकलते हैं। ओ तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के तकरीबन 6:30-7:30, एंड वी हैव प्लान टू गो आउट फाइनली, जो कि हम पिछले 2 घंटे से सोच रहे हैं कि चलो 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 चलो, अब हम जा रहे हैं फाइनली बाहर, और अभी तक कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, और ईद मुबारक भाई, आखिरी दिन है, जितनी मुबारकबाद देनी है दे दो सबको, है ना भाई? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये Where are the birds? No, go run, 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 run. Where are you going? I'm going. Where are you going? Beach. No, you're not going to the beach. Where are you going? Beach. No. Are you excited? This is today's the last day of Eid. You want to say Eid Mubarak? Yes. Say it. Thank you. Nice.
ब्यूटीफुल पेंटिंग माशाल्लाह बेटा, वाह वाह जबरदस्त, वेरी नाइस जबरदस्त। Let's go. You wanna go? Pretty girls walk like this. This. हाँ जी, जब कुछ नहीं मिला तो फिर फाइनली हम आए हैं डॉलमेन मॉल ईद के तीसरे दिन आखिरी दिन अमल को राइड्स दिलाने के लिए, है ना अमल? ये है जस्ट फॉर हर, इसको बस राइड्स दिला दे फटाफट ताकि इसकी भी ईद हो जाए, हम लोग घूम ही रहे हैं। आज तकरीबन पांचवा दिन और वैसे तो ये व्लॉग मेरा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एडिशन है जो एंड में हम लगा रहे हैं। ईद का है पांचवा दिन और हमारे घर पे हो गई है जी दावत, जो कि एक दो दिन के अंदर ऐसे बस प्लान हुई है। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो आ चुके हैं और अंदर हैं और खाना आ गया। सो ये वाली जो दावत थी बड़ी अनप्लान दावत थी भाई, कोई दिमाग में नहीं था। एक दिन एमन ने बोला बस हम दावत कर रहे हैं दो दिन में, तो बस जल्दी जल्दी में हुआ है। सो आ गया भाई, ले आओ ले आओ ले आओ। जी गाइस फाइनली सो ईद जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची, आज ऑफिशियली जो है वो हमारे लिए ईद खत्म हुई क्योंकि अब कोई दावत नहीं है। एंड बहुत मज़ा आया इस ईद पे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अब जो व्लॉग अपलोड होगा नेक्स्ट वो होगा एक ट्रैवल व्लॉग, और हम जा रहे हैं दो दिन बाद, और जहाँ जा रहे हैं वो एक बहुत मुबारक जगह है और वो मैं डिस्क्लोज करूँगा दो तीन दिन बाद, उसका एक वीडियो अपलोड करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और पता नहीं जब तक ये वीडियो अपलोड होगी कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो गए होंगे कि नहीं होंगे। 998,000 तो हो गए, 1 मिलियन हमारी फैमिली होने वाली है यार यूट्यूब की। कंग्रेचुलेशन, इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय।